साबिक हुकूमत ने प्रोजेक्ट के नाम पर लूट मार की। एनर्जी क्राइसिस की वजह से हमारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। इंडस्ट्री की बहाली के लिए हुकूमत हर मुमकिन वसाइल फराहम करेगी। एप्टमा हाउस में सूबाई वजीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। जो वो करते रहे हैं वो आपके सामने ही है। अगर गवर्नमेंट खुद ही शुगर मिले जाएगी कि मेरी शुगर मिले कॉटन ग्रोइंग एरिया के अंदर चली जाए और तबाह कर दिया जाए और जो भी है, या आके हमने आके उसको विड्रॉ किया उस पॉलिसी को जो इन्होंने बनाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इसको ना सिर्फ विड्रॉ किया बल्कि मैंने केस भी मूव किया है, वो भी पहुँच जाएगा। उसको बाकायदा तौर पर प्रोटेक्ट करते रहे हैं कि जो हमने किया हमने ठीक किया, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए आपने क्या से क्या कर दिया और पूरी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, और आपने 18 अमेंडमेंट जो कर दिया उसके बाद आप हम सारे भुगत रहे हैं उसको बैठे हुए। क्या उसके नतायज निकल रहे हैं कि मेरा थोड़ा सा फ़ायदा है, मैं 2 से 3 टर्म पे 3 से 4 टर्म में चला जाऊँ, बस यही फ़ायदा, तो और इसमें फ़ायदा क्या। वो तो ऐसे प्रोजेक्ट करके गए हैं कि स्पीड में कि अभी इमारत भी नहीं बनी और उसकी मशीनरी भी मंगवा ली, और मशीनरी इतनी तेज़ी से मंगवाई है, जो आपको पता है क्यों मंगवाई गई है, क्यों मंगवाई जाती है आप लोग बेहतर समझते हैं, कि जल्दी जल्दी कर लिया जाए और बाहर बाहर से जो करना है कर लिया जाए, मशीनरी आ गई है ठीक है बैठ गई। वो प्रोजेक्ट सारे हमारे गले पड़े हैं, हमने उसको करना।